सेवा करने से अन्य कोई फल की अपेक्षा न रखनी चाहिए। कई जीव ऐसे भी सेवा करते हैं लेकिन हाँ फिर मुझे वो सम्मान मिलना चाहिए, वो आदर मिलना चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं, तो वो सेवा हुई कहां, उसे सेवा नहीं कहा जाता। सेव्य संतोषकारिणी सेवा, जो सेव्य है उसके संतोष का जहां विचार किया जाए, उसके प्रति जो क्रिया की जाए उसे सेवा कहा जाता है। तो सेवा से किसी भी प्रकार की फल की अपेक्षा न रखना। कुछ भी विनियोग कराने के बाद किसी भी मान सम्मान की अपेक्षा न रखना, नहीं तो किया हुआ सब निरर्थक हो जाता है। तो ये सब संसार में ये सब चीजें देखकर मेरा मन बड़ा व्यग्र हो गया। कैसा मनुष्य हुआ, उदरम भारिणो जीवा, बस लोग केवल अपना उदर भरने के लिए जीवन जी रहे हैं। कुट भाषिण, और तो और कुमारों मैंने क्या दर्शन किए, कड़वा बोलने लगे हैं, कड़वे वचन बोलते हैं जो कर्ण को प्रिय नहीं लगते। कई लोग कहते हैं भाई हम तो सत्य बोलते हैं, अब लोगों को कड़वा लगता है तो हम क्या करें। सत्य ना तो कड़वा होता है, सत्य ना तो मीठा होता है, सत्य तो सत्य है, पर कड़वी बातों के लिए जरूर हम सत्य का प्रयोग किया करते हैं। कुटभाषिण, तो ये सब देखकर मेरा मन बड़ा व्यग्र हो गया। नारद जी ने 28 प्रकार के अनर्थ इस भूमि पर देखे। नारद जी कहते हैं इन सब तीर्थों में से भ्रमण करता हुआ मैं ब्रज भूमि में आ पहुंचा, और ब्रज भूमि में मैं आया, वृंदावन गया, और वृंदावन में मैंने बड़ा एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा, वृद्धो द्वौ पतितौ पार्श्वे निःस्वसन्तो वचेतनौ, शुश्रुषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयोः पुरः। और भ्रमण करते जब वृंदावन में आया तो यमुना तट पे एक बड़ा आश्चर्य मैंने देखा। एकातु तरुणी तत्र, वहां पे एक तरुणी, एक युवा स्त्री, तरुण स्त्री, खिन्न मानसा, खिन्न मन से उद्वेग युक्त क्लेश कर रही थी, रो रही थी। उस तरुणी स्त्री के आगे वृद्धो द्वौ पतितौ पार्श्वे, दो वयोवृद्ध अवस्था में पुरुष लेटे हुए अचेत अवस्था में, उन पुरुषों के आगे वह स्त्री खिन्न मन होकर बड़ी व्यग्र हो रही थी। जहां मैं वहां पे यमुना जी के तट पर पहुंचा, मुझे देखकर उस स्त्री ने पुकारा, भो भो साधो क्षणम दिष्टम मत चिंता मपिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाद्य हरम परम, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मत चिंता मपिनाशय। हे साधु, हे नारद जी, आप रुक जाइए क्षण भर के लिए,
वो तरुणी जानती है कि साधु का क्षण बड़ा कीमती है। मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंताओं को दूर करें, मेरे दुख का निवारण करें। नारद जी रुके, पूछा उस तरुणी को, अरे देवी तुम कौन हो और तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ये मुझे बताओ। पहले तो माता मुझे अपना परिचय दें, आप हैं कौन। वह तरुणी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वेदाद्य नामानो काल योगे नजर जरो उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे चिणताम गता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् श्रेष्ठ रूपा सुसाम्प्रतम। वह स्त्री कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो आप पुरुष देख रहे हैं वृद्ध अवस्था में, ये दोनों मेरे बालक मेरे पुत्र, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नाम मानो, लेकिन काल योगे न जर्जरो, ये कलयुग ऐसा है, कलयुग के प्रभाव से ये ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं। अब आप ही बताइए, जिस माता के आगे उसके दो पुत्र वृद्ध हों तो वो माता कैसे सुखी होगी। माता अपने बालक का दुख कैसे देख सकती है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति देवी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। आप देखो दक्षिण साउथ विद्वानों की भूमि कही जाती है, बड़े बड़े विद्वान हुए, आदि शंकराचार्य हमारे शिव वल्लभाचार्य सब दक्षिण में आपका जन्म हुआ, विद्वानों की भूमि है, विद्या की भूमि दक्षिण। उत्तर रूप की भूमि, उत्तर भारत में बड़े सुंदर सुंदर लोग होते हैं, गोरे गोरे। यूं हमारे दिल्ली साइड चले जाओ, दिल्ली से आगे जाओ, बड़े सुंदर। तो उत्तर में रूप देखने मिलेगा, दक्षिण में विद्या ज्ञान देखने मिलेगा। हमारे साइंटिस्ट भी देखो आप दक्षिण के ज्यादा होंगे साउथ के। अब यो पूरब में चले जाओ तो पूरब में कला, मैं गया था कलकत्ता कथा के लिए और वहां पे ऐसी ऐसी कलाकृति, ऐसे ऐसे कारीगर, उसका स्मरण हो रहा है मुझे, इतनी सुंदर सुंदर सजावट करें, ऐसी कलाकृति देखने मिलती है वहां पे, बड़ी सुंदर। तो वो कला की भूमि कह सकते हैं। अब बचा पश्चिम, यानी अपने यूं गुजरात साइड चले जाओ, महाराष्ट्र बेल्ट ये सब, तो वहां अपने गुजराती ज्यादा। और एक बात देखिए, गुजरातियों को खिचड़ी बड़ी पसंद है, खिचड़ी बहु भावे, जम्मा खिचड़ी जो ही है, खिचड़ी में शू हो, दाल हो, भात हो, बदा मिश्रण हो ना, सबका मिश्रण होता है खिचड़ी में। तो मुझे लगता है पश्चिम में सबका मिश्रण है, रूप का, गुण का, कला का, ज्ञान का।
भैया अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं तो थोड़ी तो पक्षपात करेंगे ही, ये तो सीधी बात है। तो सबका मिश्रण देखने मिलता है। तो महाराष्ट्र में मेरी वृद्धि हुई, क्वचित परचित महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णताम गता, मैं भी वृद्ध हो गई। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई, ब्रज में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन में आकर मुझे नूतन सुंदर शरीर मिल गया, मैं तरुण हो गई, पर मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी तक बूढ़े हैं। हे देवर्षि, आप कुछ करें, मेरे इन बालकों का दुख दूर करो। नारद जी कहते हैं, माता मैं देख रहा हूं आपके दुख का कारण, मैं समझ गया, और धन्य है यह ब्रजभूमि, ये ब्रजभूमि में आकर आप तरुण बन गई, ब्रज में आकर भक्ति तरुण बन जाती है। जो भक्ति हम अपने गांव अपने शहर में बूढ़ी होती है, वो भक्ति ब्रज में आके तरुण बन जाती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। तो ये ब्रज भूमि का मैं महात्म देख रहा हूं, धन्य है इसी ठाकुर की यह लीला भूमि, जहां पे आपको नूतन सुंदर तरुण श्रीअंग प्राप्त हुआ। आप चिंता न करें, आप वृथा ही दुख कर रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति, प्रभु के चरण कमल का स्मरण करो, हे देवी आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं, कलयुग में लोगों ने ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा की, इसलिए यह ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन माता, ये कलयुग जैसा श्रेष्ठ युग और कोई नहीं, क्योंकि इस कलयुग में भक्ति का प्रचार बड़ी ही सरलता से होता है। दुर्गुणों के सागर में से गुण रूपी जो मोती ढूंढ ले, उसे साधुता कहा जाता है। नारद जी कहते हैं, यह युग तो सबसे श्रेष्ठ है, अब नारद जी परोपकार करने के लिए तत्पर बने। नारद जी कहते हैं, सब धर्मों को गौण करके जो मैं यह लोक में आपका प्रचार न करूं, तो मैं हरि का दास नहीं, मैं आपका प्रचार करूंगा। परोपकार के लिए तत्पर बने, पर सात्विक अभिमान आया कि मैं प्रचार करूंगा आपका, और जहां अभिमान आया, अभिमान कैसा है, अंधकार जैसा, जैसे कि अंधकार में रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से नारद जी को भी कोई मार्ग दिखाई न दिया। उन्होंने पहले तो वेदों के उपनिषदों के मंत्रोच्चारण किए, वेदों उपनिषदों के मंत्र बोले, जल छाटा, केवल हिलने लगे, उठ के बैठे नहीं, और अब सोचने लगे कि अब क्या करूं, अब ये भक्ति का दुख कैसे दूर करूं। मन में ताप हुआ, ताप आते ही धीरे धीरे अहंकार पिघल गया। मन ही मन प्रभु को विनती करने लगे, प्रभु आप ही बताइए, पहले तो खुद ने ये बात की कि मैं प्रचार करूंगा, प्रयास किया, असफल रहे, फिर प्रभु को प्रार्थना की, प्रभु आप ही कुछ मार्ग दिखाइए। हृदय में दीनता आई, उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म के समाचार मिले, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, लेकिन अस्पष्ट रही, स्पष्ट रूप से बताया नहीं कि कौन सा सत्कर्म करें। मतलब नारद जी के अंदर रहा पिघला हुआ अभिमान मूलतः नष्ट हो जाए, इसलिए अस्पष्ट कहा, और कहा कि सत्कर्म का समाचार, सत्कर्म आपको कोई संत ही बताएगा, तो आप किसी संत का आश्रय करो, किसी गुरु का आश्रय लें, तो आपको सत्कर्म क्या है वो पता चलेगा।
गुरु का आश्रय करने से हृदय में दैन्य भाव आता है, अभिमान नष्ट हो जाता है। आकाशवाणी को अंतर्मन की आवाज समझो। जब हृदय में दैन्य भाव आता है तो प्रभु उस जीव को मार्ग दिखाते ही हैं। प्रभु अस्पष्ट रही संत का संग करो, ये जो यहां पे प्रसंग आता है बड़े समझने जैसी बात। आकाशवाणी ने कहा संत का संग करो, वो बताएंगे। हम अपने मन के हिसाब से सोच लिया और वो सत्कर्म करते रहते हैं, लेकिन ये बात संभव है कि अपन जो सोचो वो सत्कर्म ना भी हो। सत्कर्म का मतलब है कि शास्त्र जिसका सूचन करता हो और संत गुरुजन जिसकी सम्मति आज्ञा प्रदान करते हो, उसे सत्कर्म कहा जाता है। बड़ी ये समझने जैसी बात, शास्त्र जिसका सूचन करे और गुरु संत जन जिसमें सम्मति प्रदान करे, आज्ञा दे, वो सत्कर्म है। हम अपने मन के हिसाब से चलो भैया आज चुंदरी मनोरथ जाके कर आते हैं और जाके कर आए, तुम सोच रहे हो कि वो सत्कर्म है, लेकिन वो ना भी हो। क्या तूने बड़ों की आज्ञा ली? क्या तूने शिक्षा गुरु, तेरे दीक्षा गुरु जहां तेरी निष्ठा है, गुरु में जाके तूने उनको विनती की? आज ऐसा प्रवाह बड़ा चल रहा है, वहां जाके मनोरथ करिया है, वहां जाके मनोरथ करिया है, राजभोग जाके श्रीनाथ जी में जाके राजभोग करिया है, और फिर सब कुछ फिक्स हो गया और फिर आके विनती करते हैं जे ये तारीख को ये मनोरथ है, आपको आना है, और ना छूट के उसके मन का भाव रखने के लिए फिर गुरु आज्ञा देते हैं कि आएंगे। तो वो हम सोचते हैं कि वो सत्कर्म किया, लेकिन वास्तविक रूप से वो सत्कर्म नहीं है। मनोरथ करने चाहिए अच्छी बात है, लेकिन गुरु की आज्ञा लेकर, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, उनसे पहले पूछें कि ऐसा मेरा मनोरथ है, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं। हम अपने मन के हिसाब से ना करें, गुरु जो आज्ञा दे उस अनुसार करो। कई लोग तो हटा कर के, नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है। अरे भैया जो तुझे गुरु कह रहे हैं वो करना। तो आप वहां पे जाके मनोरथ करो, फिर गिरिराज जी को जाके मनोरथ करो, या ब्रज में जाओ, ब्रज में जाके गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। साल में एक दिन अपने गुरु के सन्मुख भी नहीं होते और 25 बार फिर तुम चक्कर लगाते रहो, तुम सोचो कि वो सत्कर्म नहीं, वो सत्कर्म नहीं कहा जाएगा। सत्कर्म का मतलब अपने पहले गुरुजनों की आज्ञा लो, तब वो कार्य सफल होता है। उसी प्रकार से मंत्र भी, कि वो मंत्र हम गुरु के पास से प्राप्त करें तो वो मंत्र भी फलित होता है। अपने मन से जो मंत्र बोलने लगे बस वो स्मरण करने लगे, ऐसा नहीं होता। आए दिन लोग अपने मन के हिसाब से, चलो आज ये व्रत कर लिया, आज ये व्रत कर लिया, आज वो उपवास करें, ऐसा एक प्रवाह चल रहा है, लौकिक प्रवाह जिसको कहते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से ये भागवत हमें बता रहा है, शास्त्र जिसका सूचन करता हो और गुरु की सम्मति जिसमें हो, वही सत्कर्म है, वरना आप लाखों रुपए बर्बाद कर दो वो सत्कर्म नहीं कहा जाएगा। जो जो भी वैष्णव यहां पे मनोरथ में जुड़े हुए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, गुरु की प्रसन्नता उसमें रही हुई है, फिर वो यमुना जी का मनोरथ हो, कि गिरिराज जी का कुंडवारा हो, या जो भी हो, गुरु की आज्ञा उसे मिली है और वो कर रहा है, तो उसका फल उसे, उस व्यक्ति, उसके परिवार को सही मायने में वो सत्कर्म कहा जाता है। और ये यूं मत सोचना मैं अपने मन से कह रहा हूं, भागवत ये बात कह रहा है, मैं कोई अपने स्वार्थवश नहीं कह रहा हूं ये बात। नारद जी को मार्ग दिखाई न दिया, केवल आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, तो कौन सा सत्कर्म? तो स्पष्ट ये बात आई कि संत का आश्रय लो, संत जन के। और फिर ये नारद जी संतों को, गुरुजनों को पूछते, ये सनत कुमार के पास आए। अब सनत कुमार को कहते हैं कि अब आप ही बताइए कि कौन सा सत्कर्म मैं करूं, कौन सा मैं यज्ञ करूं।
सनत कुमार ने कहा ज्ञान यज्ञ। देखिए यज्ञ भी पांच प्रकार के हैं। एक होता है द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तपो यज्ञ, तीसरा है योग यज्ञ, चौथा है स्वाध्याय यज्ञ और पांचवा है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृगै बुधैः श्रीमद भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। सनत कुमारों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ तो यह श्रीमद भागवत का पारायण भागवत कथा, इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। आप लोग हम यहाँ जो बैठे हैं ये एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं और ये यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। जिस प्रकार से यज्ञ में आहुति दी जाती है उसी प्रकार से वक्ता ये भागवत के श्लोकों के द्वारा, भागवत के अर्थों के द्वारा बैठे हुए श्रोता के कर्ण के अंदर से उसके हृदय में ये भागवत रूपी आहुति देता है। ये ज्ञान यज्ञ है वैष्णव। सनत कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवत का गान के द्वारा ही भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी, नारद जी कहते हैं हे कुमारों मेरी विनती है कि यह दिव्य भागवत आप ही श्रवण कराएं, लेकिन मुझे एक जिज्ञासा, एक प्रश्न हो रहा है। मुझे ये बताइए कि उन ज्ञान वैरा